कोहबर तथा सोहराय झारखंड की जनजातीय कला है। उत्तरी छोटा नागपुर खासकर हजारीबाग जिला के दूरदराज इलाकों में यह परंपरा सालों पुरानी है। इन कलाओं के जरिए वंश वृद्धि तथा फसल वृद्धि का चित्रण होता है। शादी ब्याह के मौके पर कोहबर तथा दीपावली से पहले यानी फसल कटाई पर सोहराय कला की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इन कलाओं में पशु पक्षी प्रेम, डोली पर जाती दुल्हन, राजा रानी, फसलों की बुआई कटाई समेत कई आकृतियां दीवारों पर उकेरी जाती हैं। हमारा गांव तो सहदा है, खास सहदा। तो हम तो बचपन से बना रहे ये पेंटिंग। मेरा माँ तो केवल बनाती थी अंगुली से बनाते थे। तब कैसे अपने से सीखे। जंगल में रहते थे तो जंगल में तो सियार तो मुर्गी पकड़ के दौड़ता था, वो देखते थे। हुंडार पोटिया जो मेरम के वो भी धैर के लगता था, वो सब बना लेते हैं। अपना से हम बना, अपना दिमाग से बना लेते हैं। तो जो पेंटिंग करते हैं आप लोग, वो रंग कहाँ से लाते हैं? हम अपना गाँव से लाते हैं सब। दूधी मिट्टी, काला मिट्टी, गेरुआ पत्थर, पीला खाली यहाँ मार्केट में खरीदता है। अच्छा, वो जो पीला है वो कलर है या फिर मिट्टी है? मिट्टी है, पिसा हुआ। हम जब ये काम कर रहे थे नमदर घाटी में, तो हमको पता चला कि वहाँ प्राचीन समय से रॉक पेंटिंग आपका जो है 6-7 हज़ार साल पहले का रॉक पेंटिंग है, मैसेचल पोलिथिक का। और उसको जो बनाया गया था वो चित्रकारी हम देखे कि गांव में कोहबर और सोहराय के जो पूजा होती है, शादी में कोहबर का होता है, धन कटने के समय में सोहराय होती है। तो हम देखे कि वो जो चित्रकारी जो है वो रॉक पेंटिंग से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन राइट्स में हमको इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि जो लोग का राइट्स वायलेट किया जा रहा है उन लोग वहाँ के प्राचीन बसिंदा हैं कि नहीं। प्राचीन बसिंदा होंगे तभी जा कर के आपका यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल लागू हो सकता है। ये जो धरती पर रह रहे हैं वहाँ का प्राचीन बसिंदा है, उनको उस जमीन के ऊपर में हक हो जाती है। लेकिन इंडिया में इसका कुछ एक मॉडिफिकेशन हुई है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं यदि उन लोग अपने को आदिवासी बोले भी तो उनको जमीन के नीचे वाला अनाज पर हक नहीं है। नीचे वाला अनाज माने खनन का जो अनाज जो है, बॉक्साइट हुआ, कोयला हुआ, आयरन ओर हुआ। दिवाली ने बनाए थे सोहराय ने, तो बुलु इमाम कैसे चल गया तो देख लिया बना हुआ दीवाल ने, तो हम तो डर से छिप गए घर में। तो हम मेरा भाभी सब बोले कि चलो ने कि साहब ऐसे खोज रहा है तुमको पेंटिंग बनाइए, सो चलो ने फोटो उठो लेगा। तो फिर बोले इमाम फोटो उठो लिया तो बोला कि चलो मेरा पास यही वाला पेपर ने बनाना पेंटिंग थी, पेंटिंग के हम लोग दुनिया दिखाएंगे। तो हमको प्रूफ करना था कि ये लोग यहीं के बसिंदा हैं, और वो प्रूफ हमको आर्ट में मिला। एक श्रुति बना आपका गुफा से लेके गाँव, और एक श्रुति बनाया गया गुफा से लेके प्राचीन काल से। दोनों को जोड़ दीजिए तब हम दिखा सकते कि यहाँ के झारखंड का आदिवासी लोग 1 साल नहीं 10 साल नहीं 1 लाख साल से। दैट इज वाई सोहराय आर्ट आज आपका स्टेट आर्ट ऑफ झारखंड बोला जाता है। आप पुतली को पहले देखती है ऐसा टाइप कलर की, अभी देखिए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड सब घूम करके आने के बाद में ऐलान है उसमें।
गरीब है ठीक है, मार भात खा रहे हैं, लेकिन ऐलान है तो ये अनमोल चीज होता है। तो शुरुआत तो हम लोग ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया रहे एक महीना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, फिर वहाँ से फिर चल गए एक महीना के लिए जर्मनी, वहाँ भी बहुत मजा किए एकदम, बहुत मजा लगता है वहाँ फॉरेन में, बहुत मजा किए एकदम, बहुत अच्छा लगता है। गाँव ही का महिला लोग थे जो विस्थापित थे, और गाँव ही का महिला थे जिनको बाल बच्चा बेटी को पालना पड़ा, और वो ही लोग थे जो इस इतिहास को परंपरिक रूप से माँ बेटी का परंपरा से आगे बढ़ा सकते।